आज हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जो कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा हमारे इस भौतिक जगत में वो रोग पैर पसार रहा है, वो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, अगर आपको लीवर सिरोसिस ढंग से हो गया, पैर पसार लिया, तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांटेशन यानी लीवर प्रत्यारोपण ही इसका इलाज है। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लीवर सिरोसिस के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, लीवर सिरोसिस एक गंभीर समस्या और एक गंभीर बीमारी के रूप में उभरती हुई आ रही है। लीवर सिरोसिस में लीवर्स की जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे हार्ड होती हैं, और हार्ड होने के बाद उसमें से जो यकृत की यानी लीवर्स की जो सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और वहाँ पे उनके जगह पे फाइबर्स तंतुओं का निर्माण हो जाता है। मतलब धीरे धीरे लीवर आपका हार्ड होता है, धीरे धीरे लीवर सिकुड़ जाता है, और उसमें सर्कुलेशन ख़त्म होके वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। आखिर में ये समस्या होती क्यों है? इसमें बहुत से कारण हैं। लीवर सिरोसिस ज़्यादातर उन लोगों में होता है या तो उन्हें लीवर की समस्या हो, पहले से लीवर में कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, या उन्हें हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का कोई इन्फेक्शन अंदर हो, या वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा हो। अभी तक यह देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से भी कहीं ज़्यादा वह व्यक्ति जो शराब का ज़्यादा सेवन कर रहा है उनमें लीवर सिरोसिस देखने को ज़्यादा मिला है। बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स मेडिसिंस का सेवन करने से भी हमें लीवर की समस्या हो सकती है, लीवर में कुछ खराबी हो सकती है, और वो लीवर सिरोसिस तक हमें पहुंचा सकती है। तो अपने मन से बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी दवा, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, किसी भी दवा का कृपा कर सेवन ना करें। यदि हमें लीवर फैटी हो रहा है, बहुत दिनों से उस पर फैट जमता हुआ आ रहा है, तो भी ये एक समस्या हो सकती है लीवर सिरोसिस की तरफ जाने की। तो ये कारण हैं, और यहीं से आप उपाय खोज सकते हैं कि अगर हमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का लक्षण लग रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उसका टीका तुरंत लगवाएं, और हमें शराब को इमीडिएट स्टॉप करना है, बंद करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि हमें जब पता है कि शराब से ही ये लीवर सिरोसिस हो रहा है तो उसे तुरंत बंद कर देना है, और हमारे अंदर अगर लीवर में फैट जमा है तो उसके भी कारणों को तुरंत ख़त्म करना है। मतलब कि इसका जो कारण है वहीं उसी के अंदर इसका उपाय भी है। समय रहते हुए अगर हम पहचान लें कि हमें लीवर में कोई समस्या हो रही है तो हम उसको लीवर सिरोसिस तक पहुंचने से पहले ही उसको रोक सकते हैं, और उस समस्या से, उस रोग से हम बच सकते हैं। तो कैसे पहचाने लीवर की, अगर हमें कोई समस्या हो रही है तो उसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये जो पोर्टल हाइपरटेंशन यानी लीवर जो हमारा है ये असंतुलित हो जाता है, ये इरिटेट, मतलब इसे आप कह सकते हैं कि ये इसकी संरचना जो है लीवर की बेढंगी हो जाती है। लीवर सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन की स्थिति पहुंच जाती है, तब जाके उसमें ये लीवर सिरोसिस की समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे? शुरुआती लक्षण जो इसके होते हैं उसमें शुरुआती लक्षण में आप भूख कम लगना चालू हो जाती है, और शरीर पे, स्किन पे लाल लाल काले काले चकते आपको महसूस होना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, सुस्तीपन हमें ज़्यादा सताने लगती है, और एक लक्षण इसमें होता है कि हमारी जो ये स्किन है पीला होने लगता है, आँखों के अंदर पीलापन महसूस होने लगता है, पीलापन दिखता है, हमारे बाथरूम्स जो होते हैं, पेशाब जो होते हैं वो भूरे मटमैले रंग के चालू हो जाते हैं, और ये कभी कभी पीले भी होने लगते हैं, हमारा जो मल है वो
काला होता है। जब हमें ये परेशानी ज़्यादा घेरेगी तो हमारा जो स्टूल है, जो लाइटरिंग है, मल है, वो काला होना प्रारंभ हो जाता है और कभी कभी उसमें से ब्लड भी यानी खून भी आना चालू हो जाता है। तो ये शुरुआत में ये सब लक्षण दिख सकते हैं, पेट फूल जाता है और नसें, पेट की नसें वो दिखने लगती हैं पेट के ऊपर इजीली। आप देखेंगे तो इजीली समझ सकते हैं कि ये लीवर कहीं ना कहीं सूजन हो रहा है लीवर की वजह से ये, और लीवर को ऐसे टच करेंगे, यहाँ दबाएंगे तो बहुत दर्द होता है, लीवर के एरिया को छूने में आपको दर्द होगा। और भी बहुत सारी जांचें हैं इसमें, अगर हम वो टेस्ट कराते हैं तो हम लीवर सिरोसिस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड टेस्ट करा लें, सीटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, तो इन रिपोर्टों से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लीवर की अवस्था क्या है, उसके हिसाब से आप इसका इलाज करके इसे आप रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर लीवर सिरोसिस आपको अच्छी तरह से हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ है लीवर प्रत्यारोपण, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये पहले अगर आपको पता रहेगा तो आप वहाँ तक जाने से बच जाएंगे। लीवर सिरोसिस हो जाने पे और क्या लक्षण हमें मिलते हैं? मोस्टली मसूड़ों से खून आते हैं, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है और यौन इच्छा में कमी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, उल्टी में खून आती है, जैसा हमने बताया कि मल में भी खून आने लगती है, नाकों से खून आने लगता है, मांसपेशियों में ऐठन होना चालू हो जाता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, याददाश्त में कमजोरी होने लगती है, ये सब कंधे दर्द होने लगते हैं, बार बार बुखार आने लगता है। लीवर हमारे शरीर का मुख्य ऑर्गन होता है। लीवर जितने भी हमारे अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं यानी कि खराब पदार्थ, हम खाने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से हम अंदर लेते हैं, तो लीवर ही एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर को प्यूरीफाई करता है यानी साफ करता है। वो उन पदार्थों के अंदर जो भी बेकार की चीज़ें हैं, जो भी रॉ मटेरियल हैं, टॉक्सिक हैं, उन्हें शरीर से बाहर करता है। तो हानिकारक पदार्थों को जब वो शरीर से बाहर कर रहा है और हम हानिकारक पदार्थ ले रहे हैं तो कितना साफ करेगा लीवर। तो इसीलिए सबसे पहले हम हानिकारक पदार्थों को पीना छोड़ें और उसे खाना छोड़ें। हरी सब्जियां, हेल्दी फल फूल ये ज़्यादा सेवन करने से हमारे लीवर को ज़्यादा शक्ति मिलती है और उस समय के जो भी आपके लक्षण आए रहते हैं उनके आधार पर आपके इलाज में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। तो आइए होम्योपैथ में आप किसी भी एक अच्छे होम्योपैथ से सलाह ले सकते हैं और आप इलाज करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो कहीं ना कहीं समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है। अगर जड़ तक हम नहीं जाएंगे तो उस समस्या का इलाज कभी नहीं होता है। तो आप एक अच्छे होम्योपैथ, जो भी आपके अगल बगल में हो एजुकेटेड, उनसे संपर्क करें और इसकी दवा लें। अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।